दुनिया भर के देशों में 18 जून को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। इस दिन को ऑटिस्टिक प्राइड डे के तौर पर भी जाना जाता है। ऑटिज्म एक दिमागी डिसऑर्डर है जो ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे लोगों से घुलमिल नहीं पाते, यहां तक कि उन्हें बोलचाल में भी दिक्कतें आती हैं। ऐसे बच्चों को खास सपोर्ट और देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों में कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं। वे शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाते, मन ही मन बड़बड़ाते हैं, एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, बार बार एक ही काम को भी दोहराते हैं। वे अकेले और गुमसुम से बैठे रहते हैं। ऑटिज्म के चलते कई बच्चों के शरीर के अंगों का ठीक से विकास तक नहीं हो पाता। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो इन बच्चों को सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग करता है, लेकिन अच्छा माहौल और केयर देने पर इसे मैनेज भी किया जा सकता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता होना बेहद जरूरी होता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से इस दिन को यानी 18 जून को विश्व ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है। यहां आपको बता दें कि ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाने की शुरुआत ब्राजील से की गई थी। पहली बार वर्ष 2005 को गैरीथ एंड एमी नेल्सन द्वारा बनाई गई एस्पिस फॉर फ्रीडम यानी AFF ने इसे सर्वप्रथम ब्राजील में मनाया। इसके पश्चात 18 जून को पूरी दुनिया में इसे मनाया जाने लगा। वर्ष 2024 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की थीम जीवित रहने से संपन्न होने की ओर बढ़ना ऑटिस्टिक व्यक्ति क्षेत्रीय दृष्टिकोण साझा करते हैं। वैसे तो ऑटिज्म का कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन इसे मैनेज करने के लिए डॉक्टर दवाओं से लेकर थेरेपी आदि की सलाह देते हैं। इससे पीड़ित बच्चों में स्किल्स सीखने पर काफी जोर दिया जाता है। एजुकेशनल और बिहेवियरल स्किल्स के द्वारा ऐसे बच्चों की सोशल लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। ध्यान रहे कि हर बच्चे में इसके लक्षण अलग अलग नजर आते हैं, इसलिए एक्सपर्ट की सलाह के मुताबिक ही ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही ये भी मानकर चलिए कि सही केयर और उपचार के बाद बच्चे पर काफी हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।